स्वागत है आपका अनुग्रह ज्योति न्यूज चैनल में। आइए ले चलते हैं खास खबर की ओर। राजीविका कर्मियों की सेवाएं समाप्त करने का विरोध शुरू। राज्य सरकार द्वारा राजीविका कार्मिकों की सेवाएं समाप्त की जा रही है, जिसका विरोध किया जाने लगा है। विरोध स्वरूप महिला कर्मिकों ने आज अनूपगढ़ अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण से मुलाकात करके उन्हें मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में महिला कार्मिकों ने कहा कि यदि सरकार ने सेवाएं समाप्त करने के लिए निर्णय में बदलाव नहीं किया तो वह आंदोलन करेगी। महिला कार्मिकों ने कहा कि एक तरफ से तो सरकार रोजगार नहीं दे रही है, वहीं दूसरी तरफ उनका रोजगार छीना जा रहा है। ज्ञापन में कहा है कि जब तक स्क्रीनिंग होकर नहीं ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, तब तक के लिए उन्हें क्लस्टर से कार्यकृत नहीं करके आदेश सभी जिला परियोजना प्रबंधकों को दिया जाए। इसी के साथ कार्मिक करमजीत कौर, सोनू रानी, ममता दिव्या, संदीप कौर, निर्मला आदि मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनुपगढ़ ज्योति न्यूज नेटवर्क। ज्ञापन दिया किस विषय पे दिया गया है? सर नमस्ते, मैं आरपीआरपी करमजीत कौर अनूपगढ़ ब्लॉक में कार्य कर रही हूँ और हम 2013 से आरपीआरपी के पद पे कार्यरत हैं। अब हमारी जो सेवाएं हैं वो ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, तो हमने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दिया है कि हमारी ये सेवाएं ख़त्म ना करके हमें किसी और पद पे नियुक्त किया जाए या फिर हमें किसी और पद पर मर्ज कर दिया जाए। इसमें जैसे आरपीआरपी के अलावा एरिया कोऑर्डिनेटर, डीएम और क्लस्टर लेवल मैनेजर, ऐसे कई पद हैं जिनमें हमें ये रख सकते हैं। ठीक है, अभी आपने अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने दिया है कि सर बोल रहे हैं कि हम आपका ये ज्ञापन आगे तक पहुँचाएंगे और सहयोग करेंगे मुख्यमंत्री। ठीक है।